स्वागत 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 आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस क्यूज कॉन्टेस्ट में वेलकम बैक ऑल ऑफ यू लेट्स बिगिन क्यूज कॉन्टेस्ट आपके स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा कंसर्ड द फ्लोइंग स्टेटमेंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रेसस इट्स ओरिजिन टू द स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट विच वॉज सेटअप इन नाइनटीन फोर्टी वन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के करेंटली सीबीआई वर्क अंडर द जुडिक्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच ऑफ द एब स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ओके लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन इसका सही जवाब आपको आता है जी हां इसका सही जवाब है एक इज द ओनली राइट आंसर ओनली ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रेसेस इट्स ओरिजिन द स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट विच वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द फंक्शन ऑफ द स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट देन वे आर टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ ब्राइवरी एंड द करप्शन इन द ट्रांजेक्शन विद द वॉर एंड सप्लाई

वर्किंग ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप इज रिस न्यूज वॉज कनेक्टेड विद जी अवेंटी इज द राइट आंसर। जी ट्वेंटी इज एक एनुअल मीटिंग ऑफ लीडर्स फॉर द कंट्रीज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इट्स मेंबर अकाउंट टेंट या अकाउंट फॉर एटी फाइव परसेंट दर्ल्ड जी डी पी एंड टू थर्ड ऑफ इट्स पॉपुलेशन G20 is formally known as the summit of financial market and the world economic G G20 after the asian financial crisis in 1997 and 1998 it was acknowledged that the participation of the major emerging market countries is needed to on discussion on internal financial system and g7 finances ministry are agreed to establish then the G20 finance ministries and central bank governor meeting in 1999 full membership of the G20 आप देख सकते हैं ये प्रश्न ऑलरेडी आपके वर्तमान में 2020 का यूपीएससी में पूछा गया था अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील कनाडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान मैक्सिको रसिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया टर्की एंड यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन इंडियन वाट इज द जी प्लस जी प्लस द जी डेवलपिंग नेशन ऑल्सो कोल्ड जी या जी या जी Yeah, G 22 plus is a block of developing ble nation which was established in August 2020, its origin can be traced to the Brasilia declaration signed by the foreign ministry of the India, Brazil, South Africa, June 2010. G 20 plus is responsible for the 60 percent of world population, 26 percent of world's agriculture export and 70 percent of its farmers. Next question on the screen, consider the following statement. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनेज एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ओके ट्रेजरी बिल आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज़ नो ट्रेजरी बिल इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओके ट्रेजरी बिल ऑफर आर इशू एट द डिस्काउंट फ्रॉम द पर या फॉम फ्रॉम द अंकित वैल्यू फॉर द पर वैल्यू विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट ट्रेजरी बिल के बारे में सही है चलिए सोचिए चलिए इसका सही जवाब है दो और तीन सी इज द राइट आंसर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इट नॉलेज द गवर्नमेंट्स डेप्ट ऑब्लिगेशन इससे पता चलता है सरकार का उधार कितना है ऑब्लिगेशन है सच सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म यूजली कोल्ड ट्रेजरी बिल अगर वो ट्रेजरी बिल है तो शॉर्ट टर्म का होगा विद ओरिजिनल मैच्योरिटी लेस देन वन ईयर जिसका एक साल से कम मैच्योरिटी होता है अगर वो लॉन्ग टर्म का है तो वो गवर्नमेंट्स बोन होगा या डेटेड सिक्योरिटीज होगा विद द ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ मोर देन वन ईयर स्टेटमेंट वन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशू थ्रू ए ऑक्शन कंडक्टेड बाई आर बी आई फ्लोटेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लोन्स स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एज फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर द आर बी आई मे बाय द एग्रीमेंट विद एनी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेक द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेप्ट ऑफ द स्टेट Accordingly, RBI has entered into the agreement with 29 state governments. Second statement: In India, central government issue both treasury bills and bonds and dated securities, while the state government issue only bonds or dated securities, which are called state development loans. Treasury bills or T-bills, which are money market instrument, are short-term debt instrument issued by the government of India only. And presently, issue in three tenors namely 91 days, 182 days, and 364 days. Number statement third Treasury bill are zero coupon securities and no pay interest on it. They are issued issue at a discount and redeemed at the face value at maturity. For example, a 90 day treasury bill of 100 face value is 100 rupees, Maybe issue and pohi, something rupees not. ओके इज दैट डिस्काउंट वन पॉइंट एट जीरो वुड बी रिडीम्ड एट द फेस वेलू हंड्रेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मोनोकोलोनिकल एंटीबॉडी मोनोकोलोनिकल एंटीबॉडी के बारे में सोचिए दे आर मेड बाय दे आर मेड बाय मोनो मतलब मोनोकोलोनिकल एंटीबॉडी मेड बाय क्लोनिंग अ यूनिक वाइट ब्लड सेल दे आर यूज टू ट्रीट मैनी डिजीज इंक्लूडिंग समाइप ऑफ कैंसर विच ऑफ देंट इज आर करेक्ट ओके मोनोक्लिनिकल एंटीबॉडी क्या ये इसका क्लोनिंग व्हाइट ब्लड सेल से हो सकता है चलिए इसका सही जवाब है सी ऑब्सोलटली एंड बीथ बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट टू से स्टार्ट करते हैं पहले लिखा हुआ है कि मोनोक्लिनिकल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज टू ट्रीट एनी मनी डिजीज इंक्लूडिंग सम टाइप ऑफ कैंसर और स्टेटमेंट वन मोनोकोलोनल या मोनोकोलोनिकल एंटीबॉडी एम ए बी और एम ओ ए बी इज ए ए एंटीबॉडी मेड बाय क्लोनिंग ए यूनिक व्हाइट ब्लड सेल ये यूनिट जो व्हाइट सेल ब्लड सेल होता है उसके क्लोनिंग से बनाया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क सी पी आई आई डब्ल्यू इज मेनली यूज फॉर प्राइस फ्लक्चुएसन मेजरमेंट गर ग्रोथ मेजरमेंट डिटरमाइनिंग डरनेस अलाउंसेस और इम्प्रूव रूलर वेज आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर होता है किसके लिए होगा ये ओके okay, ये है डीयर अलाउंसेस के डिटरमाइनिंग करने के लिए सीपीआई, आईडब्ल्यू, आई इसका बेस ईयर अभी रिवाइज किया गया है दो हज़ार सोलह है इसका बेस ईयर और लेबर एर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री इसको रिवाइज करते हैं इसका बीस बेस ईयर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सी पी आई आई डब्ल्यू फ्रॉम दो हज़ार एक से दो हज़ार सोलह दिस वाज रिवाइज टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग द कंजम्पन पैटर्न गिविंग मोर वेटेज टू स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ एजुकेशन रिक्रिएसन एंड अदर मिसलैनियस एक्सपेंसिस वाइल रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द फूड एंड बेवरेज यूजेज सी पी आई आई डब्ल्यू इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन इन रिटेल प्राइसिस एंड ऑल्सो यूज टू रेगुलेट The Dear Allowances of the Government Staff and Industrial Workers, as well as to revise the minimum wages in scheduled employments. Let's see next question. consider the following statement about Nag missile. Nag missile is designed to destroy the modern main battle tanks. Okay, it has a single shot hit probability of ninety nine percent and hundred year maintenance, three self life. Which of the above statement is correct? अबाउट नाग मिसाइल ओके इसका सही जवाब है एक सही है दो गलत है सिंगल शोट तो होता है कि नहीं इट इज अ सिंगल शोट हिट प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइनटीन परसेंट नॉट नाइन्टी नाइन परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट इसका tar, मतलब टारगेट को हिट करने का जो है वो नब्बे परसेंट के आसपास है टेन ईयर मेंटेनेंस है ना कि सौ ईयर फ्री सेल्फ लाइफ इट इज डिजाइन To destroy the modern band main battle tank and other heavily armored targets. Anti-tank guided missile, that means NAG is a DRDO recently carried out the final user trial of the third generation anti-tank guided missile at the Pokhran Fringe. Okay. It's a indigenously developed by the DRDO. NAG can be launched from both. both ल एज एयर बेस्ट प्लेटफॉर्म और इसका रेंज है चार से सात किलोमीटर होम डेवलप्ड इंफ्रारेड सीकर एंडली फ्यू नेशन इन वर्ल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन कंसर द फ्लोइंग स्टेटमेंट हुम्स है वो क्या सबसे छोटा ग्लैंड है सही जवाब एक है हुस के चार तो हैं लेकिन सिलेबरी ग्लैंड इन मैमल्स आर एक्सक्राइन ग्लैंड एंड प्रोड्यूस सलाइबा थ्रू द सिस्टम ऑफ डक्ट्स होमन्स है फोर पेयर मेजर स्लेबरी ग्लैंड एक पेट्रोइ है सब मीबुलर सब लिंगुअल लिंगुअल एंड टूबारियल याद नहीं रखना अपना एज वेल एज हंड्रेड ऑफ माइनोरी स्लेबरी ग्लैंड स्लेबरी ग्लैंड कैन बी क्लासीफाइड पेट्रोटिक ग्लैंड आर द लार्जेस्ट स्लाइबरी ग्लैंड दे आर लोकेटेड जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द ईयर्स कान के ठीक ऊपर आस पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट वॉज न्यू इज रिसेंटली इज रिलेटेड विद वाट लाइफ इन मिनिएचर It's a painting, it's a music collection, instruments collection, a classic dance, a classical dance. Okay, it's a painting, Life of Miniature is a painting. Life of Miniature project is a collaborative project between National Museum Delhi and Ministry of Culture and Google Arts Culture. Several hundred miniature paintings from the National Museum New Delhi can be viewed on online Google Arts and Culture by the people around the world, okay. नेक्स्ट क्वेश्चन कंसड द फ्लोइंग एक्टिविटीज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड इंस्पेक्टिंग द कार्टर्स ऑफ एन एनएक्टिव बॉलखेनो कलेक्टिव ब्रैथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फ्रॉम डी एन एस एनालाइजिंग एट द प्रजेंट लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी विच ऑफ द एवर्ट एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुल्ली कैड आउट यूजिंग ड्रोन्स ड्रोन्स के इस्तेमाल से क्या ये हो सकता है चलिए आई थिंक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन आई थिंक इस तरह के प्रश्नों में हमेशा आप अधिकांश प्रश्नों में 99 परसेंट में आप डी कर जाइए सभी सही होता है इतना आसान नहीं होता है सोचना और यू के इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस ईयर तो अपने हिला के रख दिया था यू ने हमें अधिकांश प्रश्नों का उत्तर डी दे दिया था सेल्फ एक्सप्लेनेशन दिस इज वाइडली यूज इन डेवलप इन कंट्रीज ऑफ सेव मेन पावर ड्रोन्स कैन बी गो वेर स्टिक और स्क्रेटर द भोलकोनो में जा सकता है गिविंग researchers assess to the potential life-saving data. Okay. Scientists flew some drone over the blowhole of few humpback whales in the US and Canada to collect the microbes living inside their breed. Sampling the community of microbes and bacteria living inside the whales called microbiome can help a better understand what makes a healthy whale well and what happens when a whale well gills. Consider the following statement. Genetic changes can be introduced in the cell that produces eggs or sperm of a prospective parent. Genetic changes can be introduced in the cell that produces eggs or sperm of a prospective parent. A person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage. Human induced pluripotent stem cell can be injected into the embryo of a pig. विच आर द स्टेटमेंट इज करेक्ट अभी अभी मैंने बताया इस तरह के प्रश्नों में हमेशा आप डी के साथ जाइए और ये भी यू के 2020 में पूछा चुका है सही आंसर है तीनों स्टेटमेंट वन डी एन ए इन एनी सेल कैन बी अल्टर्ड थ्रू द इन्वायरमेंटल एक्सपोजर टू ए सर्टन केमिकल अल्ट्रा वायट रेडिएशन एंड अदर जेनेटिक इंडल्स और इवन इन एरर्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन इफ ए म्यूटेशन ऑकर इन ए जम लाइन सेल वन दैट विल गिव राइज टू द या गैमेट्स then it is this mutation can be passed to the origin organism of a spring This means that every cell in developing embryo will carry the mutation as opposed to the germ cell, a germ line mutation somatic mutation occurs in cell fund elsewhere in organism's body such mutation are post, yeah, passed to the daughter cells during the process of mitosis, but they are not passed to offspring conveyances via sexual reproduction consider the following statement the prime minister constitutes standing committee of the cabinet and sets out the specific function assigned to them cabinet committee on appointments decides on all important impanelments and shifts the officers serving on central deputation cabinet committee on parliamentary affairs addresses problems related to the center state relation which of the above statement is are correct Okay, I think one and two is the statement correct. Let's see something about it. Prime Minister constitutes standing committee of the cabinet and sets out the specific function assigned to them. He can add or reduce the number of committees. Parliamentary affairs, the committee, Cabinet Committee on Parliamentary Affairs draw the schedule for the parliamentary session and monitors the progress of the government business in the parliament it scrutinizes the non-government business and decide which official bills and regulations are to be presented political affairs the cabinet committee on political affairs address problems related to the central state relation okay political affairs mm. is a committee mm. who address political affairs addresses the problems related to central states it also examine the economic and political issue that require a wider perspective but have no internal or external security implication let's see number question two consider the following statement regarding about central vigilance commission cbc it is an apex indian governmental body created in 1964 to address the governmental corruption or cbc is headed by the central vigilance commissioner who is appointed by the president of india which is the above statement is our correct i think this is simplest question so you can go with easy c is the right answer statement 2 c is the right answer central vigilance commission cbc is an apex indian governmental body created in 1964 to address द गवर्मेंटल करप्शन इन दो हजार तीन पार्लियामेंट इनेक्टेड लॉ इन कंफर्मिंग ए सच्युटरी स्टेटस ऑन सी बी सी 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 अब सी बी सी जो है वह एक सेच्यूटरी स्टेटस प्राप्त कर चुका है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर सेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंसिटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन मिनिस्ट्री होम होम अफेयर्स मेम्बर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिड द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ के बारे में सोचना है आपको इट इज़ और कौन सा करेक्ट है ये बताना है इट इज ए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी इस्टेब्लिश इन नाइनटीन ऑन द इनिशिएटिव ऑफ जी ट्वेंटी ओके इट इज सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ओ ई सी डी हेडक्वार्टर्स इन पैरिस एफ ए टी एफ प्लेनरी इज ए डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एफ ए टी एफ एंड मीट्स थ्री टाइम्स पर ईयर ऐसा कोई जरूरी है तीन बार मिलना जरूरी है चलिए दिए गए सारे कथन सही हैं अबाउट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इट इज़ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में ओ वी जी के इनिशिएटिव के द्वारा ओके इट इज सेक्रेटेड इसका सेक्रेटेड जो है ओ के डेवलपमेंट हेडक्वार्टर ओ ई का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में वहीं पर है इसके मेंबर जो है उनचालीस मेंबर वर्तमान में है और प्रेजेंट करते हैं मोस्ट फाइनेंशियल सेंटर अराउंड द वर्ल्ड और इंक्लूड दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एक जी है और ई भी है द एफ ए टी एफ प्लेनरी इज डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एफ ए टी एफ ये जो एफ ए प्लेनरी एफ ए टी एफ प्लेनरी जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है इट मीट्स थ्री टाइम्स पर ईयर हर साल तीन बार मिलते हैं अब इसमें कुछ संबंधित ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट कंट्रीज नन एज ए नॉन कॉपरेटिव कंट्रीज या टेरेटरीजीज नॉन कॉपरेटिव कंट्रीज़ आर द पुट इन ब्लैक लिस्ट दिस कंट्रीज सपोर्ट टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ ग्रे लिस्ट कंट्रीज आर कंसियर्ड टू सेफ हैवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन टू द एफ आई टी एफ ग्रे लिस्ट दिस इंक्लूजन सर्व एज ए वार्निंग टू द कंट्री दैट इट मे इंटर द ब्लैक लिस्ट अरेंज द फ्लोइंग लोकेशन इन द डायरेक्शन टू वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए ये लुम्बी लुम्पिया लुम्बी का लिखा है लुम्पी दुर्रा पास कालापानी लुपू लेक लिम्पी दूरा काला पानी है लिपुलेक पास अरेंज इट ये सारे के सारे अरेंज है एक दो तीन काला पानी इशू चल रहा था आपको पता होगा केपी शर्मा ओली के द्वारा बहुत ही रिएक्ट कर रहा था अपने मैप के द्वारा तो ये काला पानी के बारे में जानिए और आपको पता होगा ये पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के बॉर्डर के साथ लगता है क्वेश्चन नंबर फाइव बिस्केक डिक्लेशन किससे जुड़ा हुआ है वाटर कंजर्वेशन ह्यूमन कंजर्वेशन ह्यूमन राइट्स कंजर्वेटरी प्राइमरी हेल्थ कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स आल का क्वेश्चन है चलिए इसका सही जवाब बता देता हूँ मैं कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्स बिस्केक डिक्लेशन स्नो लेपर्ड डे वाज ऑब्जर्व तेईस अक्टूबर को स्नो लैपड दिवस मनाया जाता है द डे कैम्प इन टू बिंग विद द एडोप्शन ऑफ द बिस्केक डिकलेन बाई बारह कंट्री ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लैपड से जुड़ा हुआ है ऑफ़ दिस ईयर इंडियन गवर्नमेंटल हैज़ लॉन्च कम्युनिटी वॉल्टियर प्रोग्राम हिमालय स्रंक सेख प्रोटेक्टेड टू स्नो लैपड्स इंडिया हैज़ बिन कंजर्विंग स्नो लैपड एंड इट्स हैबिटेड थ्रू द प्रोजेक्ट स्नो लैपड इंडिया इज ऑल्सो पार्टी ऑफ ग्लोबल स्नो लैपड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम 2013 से इसके लिए भारत जो है आइडेंटिफाई किया है तीन लार्ज लैंडस्केप जिसमें हैमीज स्पिटी है लद्दाख में हिमाचल प्रदेश नंदा देवी गंगोत्री ने उत्तराखंड एंड कंचनजंगा अक्रॉस सिक्किम अरुणाचल प्रदेश प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो लॉन्च किया गया था दो में प्रमोट किया करने के लिए इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू तो कंजर्व स्नो लेपर्ड एंड देयर हैबिटेट Suno leopard is the list of 21 critically endangered species for recovery program of ministry of environment and forest climate change. next question. consider the following statement. the world meteorological organization, wmo, is an intergovernmental organization with the membership of the more than 100 member states. india meteorological department is one of the six regional specialized meteorological center of the world meteorological organization. चलिए इसका सही जवाब है सी दोनों सही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एम ओ इज ए स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कॉपोरेशन ऑन एटमोस्फेरिक साइंस क्लाइमेटोलॉजी हाइड्रोलॉजी जियो फिजिक्स डब्ल्यू एम ए मेड ऑफ एक सौ तिरानवे कंट्री है एक सौ से, से ज्यादा हो गया एंड इसके टेरिटरीज एंड फैसिलिट्स The free and unrestricted exchange of data, information, research between the respective meteorological and hydrological institution of its members. IMD is also one of the six uh, members, specialized meteorological centers of the World Meteorological Organization, IMD. Which of the flowing gas compound is the biggest overall contributor to the greenhouse gas effect? Carbon dioxide, water, vapor, methane, or oh, oh, yes, question. साथ का इसका सही जवाब आपको पता चल चुका होगा बी इज द राइट आंसर वाटर वेपर वाटर वेपर इज द बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिटिंग दिस गैस गैस इन क्वांटिटीज सफिशियंट टू चेंज इट्स कंसंट्रेशन इन दटमोस्फेयर हाउ एवर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दयर बाय बुस्टिंग द रेट ऑफ इवोपरेशन अन द कार्बन डाइऑक्साइड which can persist in the air for century water vapors cycles through the atmosphere quickly evaporating from the ocean and elsewhere before coming back down as a rain and snow next question which of the following methods is our geoengineering technique Is a copy of copy a volcano seed the uh, seed the sea sea with iron whiten the clouds with the wind wind power chip <laughs> विंड पावर शिप्स और बिल्ड फैक्ट्रीज इस तरह के प्रश्न मैंने आपको सिखाया हो हमेशा इस तरह के प्रश्न में हमेशा आप डी के साथ जाइए डीज अब्सुलटी करेट वन टू थ्री फोर जियो इंजीनियरिंग प्राइमरी एम्स टू प्राइमरी इसका मुख्य उद्देश्य जो है मॉडिफाइंग एंड मॉडिफाइंग एंड कूलिंग अर्थ एनवायरमेंट डिफिटिंग द एन्रोमेंटल डैमेज एंड इंश्योरिंग क्लाइमेट चेंजेस टू मेक द प्लेनेट मोर इनहेबिटेबल Geoengineering at this point is still only a theoretical concept. theoretically we say theoretical. Hosting perso parasol, placing mirrors in space, whitening the stratosphere with the sulphate aerosol, whitewashing buildings, roofs to reflect the sunlight, finding iron iron a yeah, filling iron fillings into the ocean to promote carbon gulping algae or some of the modes. Copy a volcano, shoot, shoot mirrors into space, seed the sea with iron, whiten the clouds, so on. Consider the following statement regarding mechanism initiated under Kyoto Protocol, Kyoto Flexible Market Protocol mechanism, joint implementation. क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इमिशन ट्रेडिंग इस तरह के प्रश्न में आपको नहीं आ रहा हो तो आप डी के साथ निकल जाइए वन टू थ्री सब सही है फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म क्या है इसका इस लीड्स टू अस द सेकेंड द फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म टू द क्वेटो प्रोटोकॉल बेस्ट ऑन द ट्रेड ऑफ इमिशन परमिट्स क्योटो प्रोटोकॉल कंट्रीज बाउंड टू टारगेट हैव द मीट देम लार्जली थ्रू द डोमेस्टिक एक्शन that is to reduce the air emission on shore, but they can meet part of their targets through the market-based mechanism that ideally encourage greenhouse gas abatement to start where it is most cost-effective. For example, in the developing world, quite simply, it does not matter where emissions are reduced. As long as they are removed from the planet's atmosphere, Kerto, flexible market protocol mechanism it's a joint implementation it's a clean development mechanism emission trading so on question number 10 consider the following statement regarding the mechanism to reduce the emission forms consider the following statement regarding the mechanism to reduce emission forms number 1 electrostatic precipitators used to remove over 19 percent particulate matter present in the exhaust a scrubber can remove gases like oxide of sulfur catalytic converter are used to convert and burnt hydrocarbon into the carbon dioxide and water. Such type of question generally have all are right statement 1, 2, 3 absolutely correct statement. Smoke, at, smoke, smoke stacks of the thermal power plant, smelter and other industries releases particulate and gaseous air pollutants together with harmless gases such as nitrogen, oxygen, these pollutants must be separated, filtered out before releasing the harmless gases into the atmosphere. There are several ways of removing particulate matter. The most widely used, which is electrostatic precipitators, which can remove 99% particulate matter present in the exhaust from the thermal power plant. Scrubber can also remove gases like sulfur dioxide. Scrubber, the exhaust is passed through a spray of water or lime catalytic converter having expensive metals namely platinum, palladium and rhodium as a catalytic they, they are fitted into the automobiles for reducing emission of poisonous gases. They, as the exhaust passes through the catalytic converter, unburnt hydrocarbons are converted into the carbon dioxide and water. the carbon monoxide and nitric oxide are changed to the carbon dioxide and nitrogen gases respectively. Thus, is the helpful method.

न्यू द यूज ऑफ कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड हालांकि आयरन नहीं था लेकिन दोनों ऑप्शन दे दिया था तो आयरन से परिचित नहीं होने कॉपर से परिचित थे ब्रॉन्ज से सिल्वर से गोल्ड से सो टू इज रॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स हैव बीन प्रूव साइंटिफिकली दैट डेयरी प्रोडक्शन वॉज इन प्लेस एन इंडस्ट वैली सिविलाइजेशन इन पच्चीस सौ बी सी ई दर्लीएस्ट नन एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन द रिजल्ट वर बेस्ट ऑन द मॉलिकुलर केमिकल एनालिस ऑफ रेसिड्यू इन साट्स सेट्स ऑफ पोल्ट्री

कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज़ एन इंडियन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन प्राकृत और ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इट वॉज डिस्कवर्ड इन सो गाहुरा ए विलेज ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिबर अबाउट ट्वेंटी किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द गोरखपुर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स जी एच आई इज एनुअल पीयर रिव्यू पब्लिकेशन बाय ऑक्सफर्म इंटरनेशनल एच पर द जी एच आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जीरो मीन्स नो हंगर एड ऑल विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट ओके आई थिंक यू गॉट द आंसर टू इज द राइट आंसर ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑक्सफ्रेम के द्वारा नहीं निकाला जाता है इट इज एनुअल पियर रिव्यूड पब्लिकेशन जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर निकालता है और ट्रैक करता है हंगर ग्लोबल लेवल पर रीजनल लेवल पर नेशनल लेवल पर यूज करता है फोर पैरामीटर्स इसमें है एक अंडर अंडर न्यूटमेंट अंडर न्यूटमेंट द सेयर ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज अंडर न्यूटिश दैट इज हुज कैलरिक इंटेक इज इनसफिशियंट चाइल्ड वेस्टिंग आता है द सेयर ऑफ द चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ फाइव हु आर वेस्टेड दैट इज हु हैव लो बेट फोर देयर हाइट रिफ्लेक्टिंग द एक्यूट अंडर न्यूट्रीशन और तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग द सेयर ऑफ द चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ फाइव हु आर स्टंटेड दैट मीन हुव लो हाइट फॉर देयर एज चाइल्ड स्टंटिंग में लो हाइट फोर देयर एज जबकि चाइल्ड वेस्टिंग में लो वेट फोर देयर हाइट ना कि एज और चाइल्ड मोटरिटी फोर्थ ऑप्शन है द मोटरिटी रेट ऑफ़ द चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ फाइव सभी पाँच पाँच के अंदर में ही लिया आता है और चाइल्ड मॉडलिटी का सीधा सा मतलब होता है रिफ्लेक्शन द फैटल मिक्स ऑफ द इन एडिकुएट न्यूट्रीशन एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट जीरो टू तो हंड्रेड पॉइंट स्केल होता है जीरो का मतलब नो हंगर एट एट ऑल कंट्रीज़ स्कोरिंग नाइन पॉइंट नाइन एंड लेस आर क्लासीफाइड एज हैविंग लो सबरिटी स्कोर बिटवीन टेन टू नाइनटीन या बीस के आसपास उसको मॉडरेट बोलते हैं और बीस से चौंतीस के आसपास को सीरियस बोलते हैं और स्कोर ऑफ स को बहुत ही खतरनाक अलार्मिंग बोलते हैं ओस्लो किससे जुड़ा हुआ है जो अभी चर्चा में था इजराइल सीरिया कन्फ्लिक्ट से है इजराइल फलस्टीन कन्फ्लिक्ट से है सऊदी अरेबिया ईरान कन्फ्लिक्ट से है चाइना अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट से है ओस्लो ओस्लो अकॉर्ड अकॉर्ड इज़ इज़ रिलेटेड आई थिंक दिस द सिंपल इजराइल फलस्टीन कन्फ्लिक्ट एवरी वन नो इट इजराइल फलस्टीन कन्फ्लिक्ट डेट्स बैक टू द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी प्राइमरली एज द कन्फ्लिक्ट ओवर टेरेटरी आफ्टर द नाइनटीन फोर्टी एट अरब इजराइल वार होली लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स स्टेट ऑफ इज़राइल वेस्ट बैंक जिसको जॉर्डन रिवर के आसपास बोलते हैं एंड गाजा स्ट्रिप्स और उन्नीस सौ तिरानवे में ऑसलो अकॉर्ड मेडिटेट किया गया मतलब मध्यस्थक किया गया कंफ्लिक्ट सोल्व करने के लिए टू सेट ए फ्रेमवर्क टू फॉर द टू स्टेट सोल्यूशन इट इज रिकॉगनाइज द फलस्तीन अथॉरिटी इसने फलिस्तीन को एक मान्यता प्रदान किया विद लिमिटेड सेल्फ गवर्नेस और द पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप्स क्वेश्चन नंबर फाइव ऑन द फ्लोइंग स्क्रीन कंसिड द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई के बारे में बताना है इट वॉज स्टेबलिश एज एन एजेंसी फॉर द लीग ऑफ नेशन फॉलोइंग द वर्ल्ड वार टू इट बिकम द फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन इन नाइनटीन इट इज एनली ट्राई पैट टी यू एन एजेंसी कथन सही है चलिए ये वर्ल्ड वार टू के दरमियान नहीं बल्कि 1919 में ही बन चुका था इसलिए एक स्टेटमेंट गलत है बी इज द राइट आंसर दो और तीन लीग ऑफ नेशनोइंगल्डीड नेशन इनटीन फोर्टी सिक्स इट गॉड नोबल प्राइज इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन इट इज द ओनली ट्राइपाइट यूएन एजेंसी इट ब्रिंग्स टूगेदर गवर्नमेंट इंप्लॉयर एंड वर्कर्स हेडक्वार्टर जेनेवा में है स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट्स इसके कौन कौन निकलते आए लोग तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और दूसरा ग्लोबल वेज रिपोर्ट आई निकालता है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एक तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का लो पावर केबल्स फास्ट डिजिटल सर्किट्स का मैग्नेटिकाइंडिक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन का और गिवन रिएक्शन आई थिंक दिस क्वेश्चन को मैंने आपको बार बार बताया इस तरह के प्रश्नों में आप हमेशा डी के साथ जाइए एब्सोल्युटली डी इज द राइट आंसर सुपर कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टर वाट आर सुपर कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस अलाउंग करंट टू फ्लो विदाउट एनी एनर्जी लॉस When superconductivity was discovered in 1911, it was the only at a temperature close absolute zero minus those of the it degrees Celsius mein discovered Some of the technological applications of superconductivity include the product of sensitive magnetometer based on SQIDS, superconductivity quantum interference devices, fast digital circuits. Powerful superconductive electromagnets using trains, magnetic resonance imaging, IMR, MRI, nuclear magnetic resonance, NMR machine, magnetic confinement fusion reactors, tokamaks, beam stirring and focusing magnets using particular oscillators, low-less power cables, RF and microwave filters, fast fault Current limiters, high sensitive particle detectors, including transition edge sensor, superconductive bolometer, superconductivity tunnel junction detector, and so on so on so on. Consider the following statement about Himalayan brown bears. a brown beers. It is the largest carnivore, in the high land of the Himalaya. It is naturally found in the India only. Seventh number question screen here. अबाउट इट हिमालयन ब्राउन बियर्स के बारे में केबल और केबल का स्टेटमेंट वन सही है दूसरा तो गलत है क्योंकि इंडेमिक नहीं है ये हिमालयन रेड बियर आइसो इजा बियर या डोजो था इट इज द लार्जेस्ट कार्निबोर्ड इन द हाइस्ट ऑफ द हिमालय इट इज फाउंड टाइट ट्वेंटी थ्री प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर आई स्टेटस इसका का क्लासीफाइड किया गया लिस्ट कंसर्न रिसेंटली हिमालयन ब्राउन बियर वॉज प्रोडक्टेड एज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द सुटेबल हैबिटेट एंड बायोलॉजिकल कॉरिडोर्स ऑफ स्पेसिस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट गिरनार इज सिचुएटेड इन वेयर माउंट गिरनार इट्स अ आस्किंग क्वेश्चन आई थिंक यू नो अबाउट द एंसर य्स इन इन गुजरात गिरनार गिर से गिरनार गुजरात यू पी एस सी दो हजार बीस लॉर्ड धटराज परफॉर्म पर टॉप ऑफ द हिल सेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली डबल हंपर्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली वन हॉर्न राइनोसेर्स इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली इसका केवल और केवल सही है एक ये उन्नीस में आ चुका क्वेश्चन एशियाटिक लायन पूरी तरह से रजिस्ट्रक्टर हो गया है ग्रीन नेशनल पार्क में और केवल, और केवल और केवल भारत में मिलता है ये जो डबल हम्प बैक्टेरियन कैमल बोलते हैं इसको ये सेंट्रल एशिया में मिलता है वन हॉर्न डायनोसोर्स इज नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट नॉट ओनली इंडिया द इंडियन डायनोसोर्स वंस स्ट्रेंज थ्रू आउट द इंटायर स्टेट ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन बट एक्सेसिव हंटिंग एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिड्यूस देयर रेंज नेपाल में भी मिलता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कंटेक्सट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थीनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इन टू द स्टेटोस्पेयर स्पेयर वाई क्रिएटिंग आर्टिफिसियल रेन सम रिजन रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल रिड्यूटिंग रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ और रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग दिस इज द सिंपल क्वेश्चन वी वलरेडी डिस्कस अबाउट जियो इंजीनियरिंग मैथड सो डी इज द राइट आंसर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ऐसा टेक्निक इस्तेमाल किया जा सकता है Okay, that's all for today in this discussion manner quiz. So thanks a lot for watching this video.